हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के वीक नंबर इलेवन की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर इलेवन कम्युनिकेशन तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं डियर चिल्ड्रन प्यारे बच्चों ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑल नीड टू कम्युनिकेट बच्चों चाहे मनुष्य हो या जानवर सभी को कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है यानी कि बातचीत करने की आवश्यकता होती है जेस्चर सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस ये सारे संकेतों और भाषाओं का यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों कम्युनिकेशन यानी कि जो संवाद है वो कई प्रकार के होते हैं अब बच्चों क्वेश्चन है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाई ह्यूमन नीड्स कम्युनिकेशन मनुष्य को संवाद की आवश्यकता क्यों होती है आंसर है वी नीड कम्युनिकेशन टू कन्वे आर थाट्स टू अदर्स बच्चों हमारे जो थाट्स हैं हमारी जो बातें हैं उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें संवाद की आवश्यकता होती है हाउ डू एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चों आंसर है एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स तो बच्चों वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ों के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं नेक्स्ट है हाउ डज अ बेबी कम्युनिकेट विद हर मदर एक जो छोटा बच्चा हो अपनी मदर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है तो बच्चों आंसर है अ न्यू बॉर्न बेबी एक्सप्रेसिस हिज फीलिंग बाय क्राइंग एक छोटा बच्चा एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो अपनी फीलिंग्स को रोकर एक्सप्रेस करता है व्यक्त करता है इट इज ओनली बाय हिज क्राइंग यह केवल उसके रोने के द्वारा ही होता है दैट हिज मदर अंडरस्टैंड्स उसकी माँ जो है वो समझ लेती है दैट ही इज हंग्री कि वह भूखा है और हैज़ एनी प्रॉब्लम या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ फोर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बच्चों यहाँ पर संचार के कुछ साधनों के नाम लिखने हैं तो बच्चों यहाँ पर हमें चार साधनों के नाम लिखने हैं मोबाइल रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर ये क्या है ये संचार के साधन हैं जिनके द्वारा हम अपनी बातों को कह सकते हैं और दूसरों तक पहुँचा सकते हैं नेक्स्ट है विच सिविलाइजेशन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट लिपि का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों ने किया तो आंसर है बच्चों द सुमेरियंस ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट सुमेरियन सभ्यता के सुमेरियन लोगों ने लिपि का आविष्कार किया हैव द सेम सेम जब बहुत सारी भाषाओं की सेम ही ओरिजिन होती है अ लैंग्वेज फैमिली ऑफ दोज लैंग्वेजेस इज फॉर्म तो उन भाषाओं का एक भाषा परिवार होता है राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक बच्चों अब आपको यहाँ पर अपनी किताब से क्वेश्चन के आंसर देने हैं नेम फॉर लैंग्वेजेज ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली बच्चों आपको द्रविडियन लैंग्वेज परिवार की भाषाओं के नाम लिखने हैं तो बच्चों आंसर है तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम नेम फॉर लैंग्वेजेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली बच्चों यहाँ पर इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की चार भाषाओं के नाम लिखने हैं आंसर है संस्कृत हिंदी पंजाबी और गुजराती अब है क्वेश्चन नंबर फोर मैच द फॉलोइंग बच्चों यहाँ पर मैचिंग करनी है लैंग्वेज का लैंग्वेज फैमिली से हिंदी जो है किस लैंग्वेज फैमिली से है इंडो यूरोपियन इसके साथ मैच करेंगे स्पेनिश यूरोपियन तमिल किस लैंग्वेज फैमिली से है ड्रविन तो इसके साथ मैच करेंगे मणिपुरी सिनो तिब्बतन स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू